out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a nice. Hello guys, very good morning. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Good morning guys, welcome back to a new vlog and welcome back to my channel. आज एक नया दिन है, आज हमारा सेकेंड डे है शांतिनिकेतन में. कल हम आफ्टरनून को आए थे और अभी सुबह शाम सब कुछ यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं. ये जगह इतना अच्छा लग रहा है हमें खड़े होके. तो पापा सुबह सुबह यहाँ पे चाय लेके बैठ गए हैं, नीचे चाय दे के गए थे, हम लोग ऊपर लेके आ गए कि हमें यहाँ बैठ के पीना है. दीपांजन और बुम्बा भी चाय पी रहे हैं, मैं भी पी लेती हूँ तो ठंडा हो जाएगा. उसके बाद आप लोगों के साथ फिर से बात करती हूँ. इट्स अराउंड 10 o'clock और मैं आज नहा धो के रेडी हो गई हूँ. आई एम सुपर हैप्पी क्योंकि मैं सबसे पहले रेडी हुई हूँ. ऑलवेज बिजी वॉचिंग आउटसाइड. यहाँ पे पूरा गार्डनिंग का काम चल रहा है. कियारा बहुत ही मन लगा के बाहर काम देख रही है. यहाँ पे फ्लरी और कियारा का खाना रेडी हो रहा है. हमारा भी ब्रेकफास्ट आ गया है. हम लोग ब्रेकफास्ट करके आज थोड़ी सी बाहर जाएंगे और फिर आज मैं आप लोगों के साथ ये विला का एक टूर शेयर करूंगी. बट पहले थोड़ा सा हम लोग रेडी हो जाए, खाना वाना खा ले, देखते हैं कि कब निकलना है, कब आना है, क्योंकि वापस आके हम लोग फिर लंच करेंगे, फिर दोपहर को कहीं जाएंगे. ये है पूरे दिन का प्लान. घूमने आए हैं. कल रात को अच्छे से हमने सब सो लिया है. वी ऑल स्लेप्ट रियली वेल लास्ट नाइट, इंक्लूडिंग दिस मंचकिंस. Including यहाँ पे फ्लरी कियारा वही खा रही है जो घर पे भी खाती है. पर आप लोग बस कियारा को देखिए. आई कैन नॉट टेक माई आईज ऑफ. वो कितनी मन लगा के देख रही है सब कुछ. हाँ, वो सो समझने की कोशिश कर रही है कि हो क्या रहा है. कियारा तुम ही हो कुत्ते पब्बे. I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. ये मेरा आज का OOTD. ये कुर्ता आपने देखा था, दुर्गा पूजा में मिली थी. This is the Biba कुर्ती. उसके साथ ये जो स्टोल है, ये लास्ट टाइम जब मैं आई थी शांतिनिकेतन तो सोनाझुरी हाट से मैंने ये लिया था. और उसके साथ मैंने ये प्लाजो पहना है, कलमकारी प्लाजो. और साथ में वो चप्पल क्या है? चप्पल तो घर पे पहनने के लिए. आई थिंक चप्पल वाज द बेस्ट वन. अभी बच्चों को रेडी करूंगी, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे फिर बाहर जाएंगे. इतना बकबक कर रहा है तुम्हारा. देखा ये क्या है, रामू चाचा की तरह घूम रहा है. फ्लरी बहुत बिजी है, बहुत ज्यादा. हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक कॉर्नर, हर एक टाइल्स स्नीफ करके देखना है उसको. यहाँ पे बुम्बा शार ले रहे हैं, पापा ऊपर रेडी हो रहे हैं, दीपांजन ने शार ले लिया है, अभी बस रेडी हो जाएगा. तो ये है हमारा विला का एंट्रेंस गेट और ये चारों तरफ जो भी है पूरा गार्डन एरिया. विंटर के टाइम इस फ्लावर बेड्स में फ्लावर प्लांट्स एकदम भरा हुआ रहता है. अभी इसका काम चल रहा है, दिसंबर जनवरी तक ये पूरा फुल हो जाएगा. और ये है हमारा पूरा विला का बाहर का व्यू, एक्सटीरियर व्यू है ये विला का. इसका नाम है टुई बाबूयर बाशा. बाबू एक बर्ड का नाम है, तो बाशा मीन्स घर, मतलब बर्ड नेस्ट. दिस विला इज़ फुल्ली सराउंडेड बाई ग्रीनरीज.
तो यहाँ से होता है एंट्री, जहाँ पे फ्लरू बैठी है वेलकम करने के लिए। साइड इज आर डाइनिंग, डाइनिंग के साथ यहाँ पे है एक ओपन किचन। किचन में ऑलमोस्ट सारे चीज़ें हैं, अगर कोई खाना बना के खाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम टी सेट्स, गैस, तवा, प्रेशर कुकर्स, माइक्रोवेव, सब कुछ है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस विला इज दिस लॉन्ग ग्लास विंडोज, द मोस्ट फन दिस बेबीज आर हैविंग। इट्स नॉट जस्ट लाइक शी इज वॉचिंग, शी इज स्लीपिंग, फॉल्स स्लीप देयर, हां शी इज डोजिंग ऑफ सम टाइम देन अगेन वेकिंग अप इफ समवन कम्स, इफ शी गेट्स एनी नॉइस। और एक बंगलो वहाँ पे है, ऐसे तीन चार बंगलो है जो सिमिलर लुकिंग बंगलोज है, तीन चार। दिस इज द आउट हाउस, डाइनिंग से इस साइड जाके है लिविंग एरिया, ह्यूज सिटिंग अरेंजमेंट है, बहुत सारे लोग साथ में बैठ के यहाँ पे गप्पे मार सकते हैं, चाय इंजॉय कर सकते हैं। लुक एट दिस दुर्गा मूर्ति, ये जो दुर्गा मूर्ति है ये पूरा वुड के ऊपर काम किया हुआ है, बहुत सुंदर है ये। यहाँ पे और एक बाहर जाने का जगह है जहाँ से केयर टेकर्स आना जाना करते हैं। दिस इज द वॉशरूम, नाइस एंड बिग, वेरी क्लीन। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। This staircase wall has a nice painting which is painted by the owner of this house, Mr. Sandeep. यहाँ पे भी एक बड़ा सा विंडो जिससे बहुत सारा डेलाइट और धूप आता है अंदर। फिर यहाँ पे उठ के इस साइड में एक टेरेस है, दिस इज वन टेरेस। दिस स्टेयरकेस लीड्स यू अप टू द वाटर टैंक। दिस प्लेस इज नॉट सपोज टू बी एक्सेस बाई द गेस्ट बट दिस टेरेस कैन बी यूज। बट हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं क्योंकि फ्लरी कियारा अगर इस सीढ़ी से चढ़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड ये है फर्स्ट फ्लोर वॉशरूम, सेम एज द ग्राउंड फ्लोर वन। द बेस्ट पार्ट इज इस शावर एरिया इज कम्प्लीटली सेपरेटेड, इसलिए बाहर कोई वाटर स्पिलिंग नहीं होता है। दोनों ही बाथरूम में गीजर इंस्टॉल्ड है। ये जो दो रूम है इसमें से दिस रूम इज करेंटली यूज बाई माई डैड एंड कृष्णजीत। Look at the bright light these rooms get. Again, these lovely terracotta showpieces. Here you get one wardrobe. Here you get one mirror. यहाँ पे एक टेबल है, दो चेयर्स है, एक बेड के साथ साइड टेबल है। और ये डोर खोल के यू गेट द एक्सेस ऑफ दिस बालकनी टेरेस। दिस इज द रूम which is accessed currently by me and Dipanjan, Flaru and Kiara. Same ही mirror image है उस room का। यहाँ पे भी एक rack है, यहाँ पे एक side table है bed के side में। यहाँ पे दो wardrobe है जिसमें से एक locked है और ये हम use कर रहे हैं। इस room में एक TV है जो अच्छा खासा चलता है, कल पापा इसी में match देख रहे थे। यहाँ पे एक mirror है, एक table है। और फिर ये खोल के यहाँ से भी बालकनी टेरेस का एक्सेस है। दोनों ही बेडरूम फर्स्ट फ्लोर में है एंड दोनों बेडरूम से ही इस बालकनी टेरेस का एक्सेस है। तो फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर दिस इज द व्यू दैट वी आर गेटिंग, लवली व्यू। गुड इवनिंग गाइज, लाइट यहाँ पे थोड़ा सा कम है तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ टेरेस पे बैठे हैं, मैं और कियारा। एक दो पटाखे फोड़ने के आवाज़ से कियारा बहुत डर गई और मेरे पास आके बैठ के अभी देख रही है। यहाँ पे रात को बिल्कुल नज़ारा ऐसा रहता है। सुबह के टाइम भी मैंने आपको दिखाया आसपास कैसा है और आई होप आपको ये विला का टूर अच्छा लगा। मैंने कोशिश किया जितने अच्छे से हो सके आप लोगों को दूँ। हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम जहाँ पे भी फ्लरी कियारा को लेके जाते हैं एयरबीएनबी से ही बुकिंग करते हैं, वहाँ पे पेट फ्रेंडली प्लेसेस काफ़ी अच्छा मिलता है। विला मैं तो हर एक को रेकमेंड करूँगी, बहुत स्पेशियस है, बहुत अच्छा। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी खाना है, बच्चों के लिए भी हमें खाना यहाँ पे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो केयर टेकर्स यहाँ पे हैं उनके फैमिली आउट हाउस में रहते हैं, दे आर वेरी वेरी नाइस पीपल, बहुत हेल्पफुल है और बहुत पंक्चुअल है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि हमें बाय 1:30 लंच चाहिए तो उससे पहले आ रहा है, बट कभी भी लेट नहीं हो रहा है।
तो काफ़ी इसलिए ना, अगर आसपास के सारी चीज़ें टाइम पे हो जब आप घूमने जाते हो तो आपका घूमना भी बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो इसलिए इस बार हमारा यहाँ का टूर भी बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। हम इतने सारे जगह जा रहे हैं फिर भी रिलैक्सिंग लग रहा है। अब पापा, दीपांजन, बूम्बा सब मिलके मैच देख रहे हैं अंदर। मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर यहाँ पे बैठी हूँ। हमारे ये सारे शांति निकेतन के व्लॉग आप लोग तब देख रहे हो जब हम लोग कोलकाता वापस चले गए हैं, क्योंकि इस बार मैं यहाँ पे लैपटॉप लाई भी नहीं हूँ। मैं बस शूट कर रही हूँ, जाके फटाफट एडिट करके एक एक ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, नहीं तो उस साइड में मैं बिल्कुल भूत जैसी लग रही थी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रहे हो तो। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपका नोटिफिकेशन बटन ऑन है ताकि सारे व्लॉग्स का आपको नोटिफिकेशन मिले मैं जब भी अपलोड करूँ। सो मैं जल्दी मिलूँगी फिर एक नए व्लॉग के साथ शांति निकेतन से। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है भाई दूज के ऊपर। तो बहुत जल्दी मिलूँगी उस व्लॉग के साथ। टिल देन यू ऑल स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉसिबल। बाय बाय। Shut the lights, go infrared.